नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट जॉब चाहिए होती तो आप कहाँ सर्च करते हो? ऑफकोर्स Naukri.com पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहीं से सर्च करते हैं, तो मात्र एक ही प्लेटफॉर्म है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि मोनोपोली है। तो दोस्तों, अगर आप उस पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, इसलिए आप उस पर वहाँ उसको वहाँ पे सर्च करते हैं, तो फिर उसके शेयर पे क्यों ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जब वहाँ प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट है तो शेयर पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मैंने इनके रिटर्न की बात कर लेते हैं, फिर बाकी डिटेल की बात करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, कंपनी कमाल की है, फंडामेंटल भी कमाल के हैं। अगर सिर्फ आज के अगर रिटर्न की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं लगभग 8% करेक्ट हो चुका है। पिछले अगर लास्ट कई सेशन से देखें तो काफ़ी तेज़ी से ये ऊपर की तरफ भाग रहा था, लेकिन आज ये करेक्ट हुआ है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं मार्केट भी करेक्ट हुआ है कुछ, तो ये लगभग 8% गिरा हुआ है आज के डेट में। लगभग आप देख सकते हैं हाई की अगर बात करते हैं तो ये 2940 तक गया था आज, और उसके बाद 2664 का लो इसने आज बनाया। तो दोस्तों, बाकी डिटेल इसके देख लेते हैं रिटर्न का। तो एक हफ्ते में अगर बात किया जाए तो आप देख सकते हैं लगभग 5% के आसपास का रिटर्न है, जो कि बुरा नहीं है एक हफ्ते में। और बाकी डिटेल भी मैं आपको दिखा दे रहा है। एक महीने की अगर बात करते हैं आप, तो आप देख सकते हैं लगभग 21.5% का रिटर्न, जो कि दोस्तों कमाल है, क्योंकि एक महीने के अंदर 21.5% का रिटर्न, जो कि काफ़ी होता है। एक साल की बात करें, एक साल में दोस्तों मेरे मतलब यहाँ से है कि अगर आप जैसे आज के डेट का देख रहे हैं 23 जुलाई का, तो आप देख सकते हैं कि इसके पिछले माफ़ कीजिएगा 23 जून का, तो ये पिछले 23 जून से कंपेयर कर रहा है। तो उस दौरान आप देख सकते हैं लगभग 35-35.5-36% के आसपास का रिटर्न है, जो कि दोस्तों बुरा नहीं है एक साल में अगर देखा जाए। अगर बाकी डिटेल आप देखते हैं, अगर 5 साल का अगर रिटर्न आप देखेंगे तो 5 साल में लगभग 240% का रिटर्न, जो कि दोस्तों रियल में कमाल है, क्योंकि 5 साल में 240% का। लोग यहाँ पे 5 साल में खाली ये उम्मीद करते हैं कि पैसे दुगने होंगे, यहाँ तो आप सारे पैसे आपके देख सकते हैं 3.5 गुने हो गए हैं। तो दोस्तों बुरा नहीं है। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम में मैं आपको दिखा दे रहा, आप देख सकते हैं लगभग 1894% का रिटर्न, दोस्तों कमाल की बात है। मैक्सिमम में आप देख सकते हैं लगभग 94 रुपये का शेयर आज आपको 3000 के एबव में भी हाई अपने इसने बनाया, जो कि दोस्तों कमाल की बातें हैं। अगर SIP की बात करें दोस्तों, अगर पिछले 5 साल अगर पिछले 2015 से अगर आपने इसमें SIP 100 रुपये पर मंथ के पे किया होता, आप देख सकते हैं कि सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये पर मंथ पे अगर आपने SIP की हो जाती तो अभी तक आपके इन्वेस्टेड जो अमाउंट होती वो 6000 रुपये होती। आप इसमें देख सकते हैं सिर्फ 6000 रुपये, और आज के डेट में उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं कि दोस्तों 15000 रुपये से ज़्यादा की वैल्यू है आज के डेट में, यानी कि 6000 का इसने दुगुना से भी ज़्यादा बनाया है आपकी वैल्यू को। दोस्तों रियल में कमाल है, लगभग आप देख सकते हैं 1.5 गुना, यानी कि पर मंथ आप खाली 100 रुपये लगाइए और उसके बाद देखिए आपके उस पैसे को ये लगभग 15000 रुपये बना दे रहा है। तो दोस्तों कमाल की इसकी रिटर्निंग परफॉर्मेंस है। और जिस हिसाब से आप देख सकते हैं ब्रांड्स की बात किया जाए, तो आप देख सकते हैं Naukri.com सबसे फेमस है, हर कोई जानता है। किसी से अगर प्राइवेट जॉब वाले से आप पूछ लेंगे कि नौकरी अगर ढूंढनी हो तो कहाँ जाए, तो हर किसी के जवान पे यही रहता है कि Naukri.com जाओ, क्योंकि दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल होते हैं और सबसे ज़्यादा सीकर भी होते हैं, इसीलिए ये काफ़ी फेमस है। और इनका बिजनेस ऐसा है कि लॉकडाउन का भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि Naukri.com ये पूरी तरीके से डिजिटल ही काम करता है, तो ये ऑनलाइन चलता रहता है, तो इनके बिजनेस में भी कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों अगर नेक्स्ट इनके बात किया जाए तो रियल इस्टेट डेटाबेस भी देख सकते हैं, 99acres.com। अगर किसी को प्रॉपर्टी आपको चाहिए तो इस पर आप जा सकते हैं, ये भी काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। और नेक्स्ट देख सकते हैं JeevanSathi.com। दोस्तों जाहिर सी बात है ऐड तो देखा ही होगा, बहुत फेमस है JeevanSathi.com। अगर मैरिज पोर्टल चाहिए तो आप इस पे भी जा सकते हैं। तो दोस्तों ये सब इन्हीं के ब्रांड हैं। जोमैटो, जो कि इस टाइम आप कह दीजिए कि फूड डिलीवर में नंबर 1 है रेस्टोरेंट सर्च एंड डिस्कवरी सर्विस में। तो दोस्तों ब्रांड्स काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी आप देख सकते हैं कि आपको भी पता होगा इनके बारे में, हर कोई जानता है, मतलब काफ़ी अच्छे ब्रांड्स इनके हैं। तो दोस्तों ये कमाल की बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JeevanSathi.com के ऊपर यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है कि सीखा सर्विस, तो बाकी भी डिटेल्स इनके हैं, बाकी भी और अच्छे खासे ब्रांड्स अवेलेबल हैं इन्होंने, तो हालांकि ये सिर्फ एक एग्जांपल में दे रखा है, बाकी डिटेल भी आप इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बड़े अच्छे से मिल जाएगा इन्फो एज पे।
दोस्तों बाकी डिटेल हम देख लेते हैं। अगर दोस्तों न्यूज़ की बात किया जाए तो आप देख सकते हैं होल्ड इन्फो एज इंडिया टारगेट दे रखा है 3150 का शेयर खान आपको पता होगा कि काफ़ी ब्रांड है, अच्छा है इनका, काफ़ी रेपुटेटेड ब्रोकर हैं ये। तो इन्होंने 3150 का इस पर टारगेट आपको दे रखा है कि आप इसे यहाँ तक शॉर्ट टर्म में होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म की तो बात ही अलग है इनकी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, बाकी डिटेल भी आप देख सकते हैं कि इन्फो एज में प्राइस रैलीज 87% इन 3 मंथ, यानी 3 महीने में लगभग लगभग ये 90% के आसपास, जो कि दोस्तों कमाल की बात है। और बाकी डिटेल भी देख सकते हैं, रिटर्न भी इनकी FD से बेटर है, FD से ज़्यादा ये रिटर्न है। इस टाइम आप देख सकते हैं कि एनालिस्ट जो होते हैं उन्होंने बोल रखा है कि आप एंट्री पॉइंट इस टाइम अच्छा है, इस टाइम अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है, बट अभी होल्ड करिए। मैं भी बताता हूँ इसमें कि मेरी क्या ओपिनियन है इस पर। और बाकी भी देख सकते हैं, नो रेड फ्लैग, यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में, ये जो कि आप लार्ज कैप कंपनी है तो दोस्तों बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, इसमें आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं। और बाकी डिटेल मैं अगर दिखा दूं शेयर होल्डिंग पैटर्न का, तो आप देख सकते हैं प्रमोटर्स पर लगभग 40% से ज़्यादा का शेयर है, लगभग 40.5 के आसपास। FII की बात करें तो 35.45% है, DII की बात करते हैं तो 13.38% है, पब्लिक के पास 10.69% है, अदर के पास 0 है। तो दोस्तों बाकी डिटेल में इसमें आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप प्रमोटर्स भी अच्छे खासे स्टेक लेके बैठे पड़े हैं, हालांकि ये थोड़ा 50 से कम है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर इतना 40% है तो ये भी बुरा नहीं है, अच्छा ही माना जाता है। तो बाकी डिटेल भी आपको मैं दिखा दे रहा, चार्ट पे बात करते हैं। तो दोस्तों 23 या 24 मार्च, जो कि मार्केट के लिए सबसे बुरा दिन था, आप ब्लैक डे कह सकते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि उस टाइम निफ्टी की बात करें तो उसने सबसे लोएस्ट 7500 का लो बनाया था अपना। उस टाइम सारे स्टॉक, जितने भी बड़े से बड़े स्टॉक आप उठा के देख लीजिए, सबका लो वहीं पे बना था, उसी के आसपास पे। तो दोस्तों इनका भी लो, ये भी 1600 के आसपास वहाँ पे गया था। तो दोस्त उस टाइम अगर जिसने माल उठाया होगा तो उसका तो दोस्तों कमाल हो गया होगा, क्योंकि अभी ये हाल ही में, जैसे कि जब आपने देखा शेयर खान ने 3150 यानी 3200 के आसपास का टारगेट दिया, तो ये दोस्तों यानी कि 2-3 महीने में ही आपके पैसे दुगने हो जा रहे हैं इसमें। तो दोस्तों देखिए कमाल की रिटर्निंग रही है। बाकी डिटेल हम बोलिंजर बैंड से देख लेते हैं, बोलिंजर बैंड का क्या था। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो लेवल था जो 23 मार्च का 24 मार्च का था, उसके बाद से इसने काफ़ी कमाल का रिटर्निंग दिया है, रिकवरी आप देख सकते हैं, डायरेक्टली एकदम वी शेप है, यहाँ से मार्केट गिरा हुआ है और उसके बाद यहाँ से काफ़ी तेज़ी से रिकवर भी हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे मार्केट एक बार इनका गिरा था, उसके बाद संभला थोड़ा बहुत, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हल्का सा संभला था, उसके बाद काफ़ी बुरी तरीके से गिरा था, उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा वी शेप बनते हुए इस टाइम मार्केट ये 2800-2900 यानी आज का जो हाई था वो उतना गया है। तो दोस्तों कमाल की परफॉर्मेंस रही है, कमाल की रिटर्निंग रही है। अब बाकी डिटेल भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप देख सकते हैं MSCD पे, MSCD भी अभी थोड़ी कंफ्यूजन है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी ये आपको क्रॉस होता हुआ दिख रहा है, तो अभी आप इसमें इन्वेस्टिंग मत करिए, अभी आप इसे वॉच करिए, इसे अपने वॉच लिस्ट पे रखिए, और जैसे ही आपको अच्छा मौका मिलता है यानी कि 2500 के नीचे मिलता है तब से आप अपनी SIP स्टार्ट करिए, लमसम मंथ इन्वेस्ट करिए इसमें, क्योंकि ये हो सकता है मार्केट अभी और गिरे तो उस और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, लेकिन 2500 पे आप अपना पहला 1-2 शेयर खरीद लीजिए जिस हिसाब से, क्योंकि अगर उसके बाद भागता भी ताकि आपकी कुछ ना कुछ प्रॉफिट होती रहे। और बाकी डिटेल RSI पे भी आप देख सकते हैं, ये भी 50 के आसपास काम कर रहा है, तो आप इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा है कि आप इसमें अपनी SIP कंटिन्यू कर दिए उसके, लेकिन उसके पहले आप देख लीजिए 2500 का लेवल अगर आता है उसके बाद से इसमें इंटर करिए फ्रेश। अगर आप ऑलरेडी इंटर हैं तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए रोक के रखिए, बहुत अच्छा शेयर है, बहुत अच्छी रिटर्निंग देगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।